यूनिवर्सिटी में हेट वॉर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली नहीं हूँ, भारत का हर छात्र मेरे साथ है। शहीद की बेटी को बलात्कार की धमकी। शहीद की बेटी को जान का खतरा। I have mentioned it very clearly. I've been getting death and rape threats, and I don't have to keep saying that again and again. गुरमेहर का क्या कसूर? जिसके पिता ने आमने सामने की लड़ाई में दुश्मनों से जमकर मुकाबला किया था, जिसने देश के लिए सीने में गोली खाई थी, जो देश के लिए शहीद हो गए थे, वो उसी अमर शहीद की बेटी है। लेकिन अब देश की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले उस शहीद की बेटी को मिल रही है बलात्कार की धमकी। उसे मौत का डर दिखाया जा रहा है, और इसके पीछे है हेट वॉर की वो कहानी जिसने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। गुरमेहर कौर, 20 साल की ये लड़की देश के लिए मर मिटने वाले शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी है। अपने पिता की तरह ही गुरमेहर के दिल में भी देशभक्ति का जज्बा है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो छात्र संगठनों की लड़ाई में गुरमेहर ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष क्या रखा, तूफान खड़ा हो गया। गुरमेहर का कहना है कि बीजेपी के स्टूडेंट विंग एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने की वजह से ही इसे खौफनाक धमकी दी जा रही है। धमकी बलात्कार की, धमकी जान से मारने की। और अब गुरमेहर के खौफ की इस कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ने वाली गुरमेहर को मिलने वाली खौफनाक धमकी का सच क्या है? कौन है जो एक शहीद की बेटी को बलात्कार और जान से मारने की धमकी दे रहा है? एबीपी न्यूज में हम इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए दो छात्र संगठनों की जंग की वो कहानी जिसने गुरमेहर को बेचैन कर दिया। तारीख थी 21 फरवरी। डीयू के रामजस कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार में देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद और उसकी समर्थक शहला राशिद को बुलाया गया था, और इसी बात पर बीजेपी के स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध इतना बढ़ा कि सेमिनार को आखिरकार रद्द करना पड़ा। सेमिनार रद्द होने पर आईसा और दूसरी लेफ्ट पार्टियों ने रामजस कॉलेज में विरोध मार्च निकाला, तो एबीवीपी के छात्रों ने वहां पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी, और फिर देखते ही देखते इस विवाद ने विकराल रूप ले लिया। कॉलेज का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। हो हंगामे और झगड़े ने जब हिंसक रूप ले लिया, तो छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी, और फिर यह विवाद और भी गहरा हो गया। हंगामा खत्म होने के बाद एहतियात के तौर पर रामजस कॉलेज के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। हालात काबू में तो आ गए, लेकिन इस वाकये ने कैंपस का माहौल बेहद खराब कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ने वाली गुरमेहर इसी बात से बेहद परेशान थी। उसका दिल उन छात्रों के लिए रो रहा था जिनके साथ मारपीट हुई थी, और फिर गुरमेहर ने वही किया जो उसके दिल ने कहा। इंग्लिश ऑनर्स कर रही 20 साल की गुरमेहर कौर ने एबीवीपी के खिलाफ विरोध की तख्ती उठाई, और फेसबुक पर उसने लिखा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली नहीं हूँ, भारत का हर छात्र मेरे साथ है। फेसबुक पर अपनी इस तस्वीर के साथ गुरमेहर ने मैसेज लिखा कि जो लोग भी उसकी इस मुहिम में उसके साथ हैं, वो ऐसी ही तख्ती लेकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी के साथ अपना विरोध जताएं। देखते ही देखते गुरमेहर की यह मुहिम वायरल हो गई। गुरमेहर की अपील पर
देश भर में ऐसी तख्तियों के साथ एबीवीपी के खिलाफ फोटो अपडेट होने लगे। तभी ये खुलासा हुआ कि गुरमेहर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह एक शहीद हैं और इसके बाद ही फेसबुक के पन्नों पर गुरमेहर को कोसा जाने लगा। गुरमेहर पर निशाना साधने के लिए उसका एक पुराना वीडियो सामने लाया गया जो उसने पिछले साल अप्रैल महीने में YouTube पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में गुरमेहर ने भारत पाकिस्तान के बीच शांति की अपील की थी। जब मैं 2 साल की थी तो मेरे पिता शहीद हो गए। उनकी बहुत कम यादें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे ये याद है कि एक पिता का ना होने का एहसास क्या होता है। मुझे ये भी याद है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को मारा है। जब मैं 6 साल की थी तो मैंने बुर्का पहने एक औरत को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे संभाला, मुझे समझाया कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। अगर युद्ध ना होता तो मेरे पिता साथ होते। गुरमेहर की माँ ने उसे जो समझाया उसे अब देशद्रोह के तौर पर पेश किया जा रहा है। गुरमेहर को निशाना बनाते हुए नीरज मिश्रा ने फेसबुक पर लिखा है, मुझे शक है कि तुम्हारी रगों में एक शहीद का खून है। इस देश और शहीदों को शर्मिंदा मत करो। इसी तरह राधे कृष्ण तिवारी ने लिखा है, तुम्हारे पापा अगर जिंदा होते तो तुम्हें अपने घर से निकाल देते। तुम गद्दार हो, मैं तुमसे नफरत करता हूं। ये तो आम लोग हैं, लेकिन गुरमेहर पर तंज करने में मशहूर हस्तियां भी पीछे नहीं हैं। देश के मशहूर क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है, मैंने 2 तिहरे शतक नहीं लगाए हैं, मेरे बल्ले ने लगाए हैं। ठीक इसी तरह तंज करते हुए मैसूर में बीजेपी सांसद ने गुरमेहर की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर डाली। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, कम से कम दाऊद ने अपने देशद्रोह को छुपाने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं किया था। विवादों की इस कहानी का सबसे शर्मनाक और घिनौना चेहरा तो तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर को बलात्कार और जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। और फिर अपनी सुरक्षा के लिए गुरमेहर ने महिला आयोग के दरवाजे पर दस्तक दी। लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा गुरमेहर ने महिला आयोग से खुद के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। गुरमेहर का कहना है कि वो यूनिवर्सिटी के माहौल को सुरक्षित बनाने की लड़ाई लड़ रही है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि आपने स्टूडेंट्स को क्यों, स्टूडेंट्स पे क्यों अटैक किया, उन्हें क्यों असॉल्ट किया। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट फॉर एनी पोलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट फॉर एनी पर्सन, आई एम फॉर माई सेल्फ एंड आई एम फॉर माई फेलो स्टूडेंट्स एंड आई एम फॉर माई यूनिवर्सिटी। गुरमेहर का कहना है कि वो एबीवीपी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। गुरमेहर ने अपने शहीद पिता की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि उसके पिता देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए कुपवाड़ा में शहीद हुए थे। उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई थी और डरना उसके खून में भी नहीं है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेरी ब्रेव पीपल, आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर वी हैव सर्व्ड द नेशन फॉर जनरेशंस। मेरे खून में डरना नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं डरती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो, यू वांट टू गिव मी डेथ थ्रेट्स, गिव मी डेथ थ्रेट्स। माय फादर टुक अ बुलेट फॉर द कंट्री, आई विल टेक द बुलेट फॉर द कंट्री। इतना ही नहीं, गुरमेहर कौर ने खुद को देशद्रोही कहे जाने पर हमला करते हुए कहा कि जो उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनकी खुद की राष्ट्रीयता सवालों के घेरे में है। I really want to make the people out there, very famous people, calling me, questioning my nationalism and calling me an anti-nationalist. They don't understand patriotism. गुरमेहर की शिकायतों के बाद महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर गुरमेहर की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए कहा है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सनसनी के लिए दिल्ली से अंजलि सिंह और अभय पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में
जारी है चुनावी संग्राम। अलग अलग इलाकों से अलग अलग नेता एक दूसरे को हराने के लिए हर चाल चल रहे हैं। और इसी बीच सामने आई है चुनावी अखाड़े में उतरे बाहुबलियों की वो कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। आजमगढ़ किसी पहचान का मोहताज नहीं है जिला, कई कारणों से चर्चा में भी रहा है। लेकिन अगर यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ की 10 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वैसे आजमगढ़ पूर्वांचल में आता है और पूर्वांचल में अब कई सीटों पर बीजेपी बनाम बीएसपी का मुकाबला हो रहा है। लेकिन अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में बाहुबलियों का बोलबाला है। ये आजमगढ़ है, तमसा नदी के किनारे बसा एक शहर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला। आजमगढ़ शहर को साल 1665 में आजम खान नाम के एक ताकतवर जमींदार ने बसाया था। मुगल शहंशाह शाहजहां के शासन काल में बसा आजमगढ़ आज पूर्वांचल की सियासत में अहम जगह रखता है। आजमगढ़ की कई पहचान है, एक पहचान वो जो इसे मशहूर शायर कैफी आजमी ने दिलाई, एक पहचान वो जो इसे सिबली अकादमी की वजह से मिली। इसके अलावा आजमगढ़ की कहानी में बदनामी के कुछ पन्ने भी जुड़े हैं। आजमगढ़ के उन्हीं स्याह पन्नों पर लिखा है अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम का नाम। दाऊद के खासम खास गैंगस्टर अबू सलीम का ताल्लुक भी इसी आजमगढ़ से रहा है। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले आजमगढ़ से कई खतरनाक आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इस शहर पर आतंक का कलंक भी लग गया। लेकिन आजमगढ़ को लेकर आज जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है यहाँ के चुनावी अखाड़े में उतरे बाहुबली। आजमगढ़ जिला पूर्वांचल की सियासत में एक खास अहमियत रखता है। आजमगढ़ में छठे चरण में जनता वोट डालेगी। अगर यहाँ के चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो इस बार यहाँ बाहुबलियों का बोलबाला है। आजमगढ़ की तमाम विधानसभा सीटों पर सियासत के बाहुबलियों की वजह से ये जिला सुर्खियों में है। सियासत के बाहुबली। आजमगढ़ सदर सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं बीएसपी के भूपिंदर सिंह उर्फ मुन्ना। भूपिंदर सिंह पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। चुनाव प्रचार में वो बात करते हैं कि उनका मुद्दा विकास है और कहते हैं कि उनके खिलाफ खड़े समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने तो यहाँ विकास ही नहीं किया। वो अपने मुकदमों के बारे में कहते हैं कि आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। नहीं देखिए, किसी के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, जब तक कोर्ट न साबित कर दे तब तक आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां हालात इस जिले की अलग रही, मुकदमे हुए, बहुत सारे मुकदमे बहुत लोगों पे होते हैं, तो जनता स्वीकार करती है। जनता लोकतंत्र के इतिहास में अगर जनता नकार देगी तो आदमी पैदल हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खड़े सपा सरकार के मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव भी मुकदमों के मामले में कम नहीं हैं, लेकिन उन पर लगे कई मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं। कहते हैं उन्होंने आजमगढ़ के विकास के सबसे ज्यादा काम करवाए हैं। जब बात आपराधिक मुकदमों की छिड़ती है तो मंत्री जी सफाई देने लगते हैं। देखिए, कहने के लिए कुछ करेंगे, हमारी केस है तो हमसे पारिवारिक लड़ाई, हमें 30 साल से समझौता हो गया तो अब कौन केस है भाई? सबकी लड़ाई होती है, लड़ाई हो गई, पारिवारिक लड़ाई थी, हमसे किसी जनता का नुकसान नहीं हमसे हुआ, हम जनता के सेवक हैं। मंत्री बड़ी मासूमियत के साथ जवाब देते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे तो पारिवारिक झगड़े की वजह से दर्ज हुए थे, कभी किसी गरीब मजलूम को नहीं सताया। आजमगढ़ में बीजेपी ने अखिलेश मिश्रा और गुड्डू को मैदान में उतारा है। अब हम आपको आजमगढ़ के एक और हलके में लिए चलते हैं जहां बाहुबलियों के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। वो हलका है अतरौलिया विधानसभा सीट।
आजमगढ़ के पास अतरौलिया विधानसभा सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार हैं अखंड प्रताप सिंह। इनकी छवि भी बाहुबली नेता की ही है। उन पर भी 14 मुकदमे दर्ज हैं। यहां उनका मुकाबला सपा के संग्राम यादव से है जो बलराम यादव के बेटे हैं। बीजेपी ने यहां से कन्हैया लाल निषाद को उतारा है। अखंड कहते हैं कि यहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होते और मुकदमे कोई मुद्दा नहीं है। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।